हेलो गाइस, आप देख रहे हैं राज व्लॉग्स और आज हम लोग जा रहे हैं सेंट मेरीज आइलैंड की तरफ। हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा सेंट मेरीज आइलैंड का। ये उदुपी का बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। तो आज हम लोग जाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम लोग चलते हैं उसकी ओर। क्या कहते हो, लेट्स गो। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग द होटल आई ऑफ द टाइगर के सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग का गाड़ी आने वाली है, तो इस गाड़ी से हम लोग जाएंगे तो टुवर्ड्स मालपे जाएंगे हम लोग, और मालपे से हम लोग सीधा जाएंगे सेंट मेरीज आइलैंड। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मालपे यहाँ का बहुत बहुत प्रसिद्ध बीच है। लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन उदुपी। सो उदुपी इज़ ऑल द वे सराउंडेड बाई बीचेस, बट दिस मालपे इज़ द मोस्ट फेमस बीच इन उदुपी। सो हम लोग उधर जा रहे हैं मालपे की तरफ, और मालपे से हम लोग सीधा बाएं टर्न लेके हम लोग मालपे से सीधा जाएंगे टुवर्ड्स सेंट मेरीज आइलैंड। सो स्टे ट्यून, स्टे लाइव, थैंक यू। हाँ तो गाइज, ये है मेरा और एक दोस्त, उसका नाम है शीर्षक। सो आप लोग इसे जानते ही होंगे क्योंकि ये मेरे बहुत सारे मीन्स मेरे साथ ही रहता है हमेशा। तो शीर्षक, आपको कैसा लग रहा है आज एक टूर में हम लोग जा रहे हैं, तो आपको ये कैसा लग रहा है? वैसे हम लोग ये पहले आप नहीं गए हुए हो, तो आपको ये कैसा लग रहा है? सेंट मेरीज आइलैंड तो गया नहीं हूँ, नया एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। चलो देखते क्या होता है, और आप लोग भी देखते रहिए क्या क्या होता है, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। एक अर्टिगा आया है, सो हम लोग उधर जाएंगे अर्टिगा के पास, और वहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे मालपे, और मालपे से आगे देखते हैं क्या होता है। तो सही है, चलो मिलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं मालपे के लिए, हम लोग मालपे जा रहे हैं, और देखिए कौन है हमारे साथ और ये है हमारे ड्राइवर अंकल। हम लोग मालपे जा रहे हैं, तो मिलते हैं आगे। जी ये तो हमारे सामने एक नेशनल ज्योग्राफी वाला गाड़ी भी जा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, और इसका नंबर कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या पता कौन सा नंबर है, पर क्या है, GAGF 998। तो ये एक फॉरेन का गाड़ी भी जा रहा है हम लोग के साथ, चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं। Thank you.
तो हम लोग करीब करीब आ ही गए और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे मालपे आइलैंड। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है। आते वक्त भी हम लोग इसी रास्ते से ही आएंगे। तो ये वेलकम टू मालपे बीच। तो हम लोग मालपे बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग मालपे बीच आ ही गए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये जगह है। बहुत स्टोर्स है, बहुत शॉप्स है यहाँ पे। और तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू सेंट मेरीज आइलैंड मालपे बीच, जहाँ पे बोटिंग सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ होटल्स हैं और ये है मालपे का गेट जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये आप देख सक रहे हो मालपे बीच। खूबसूरत ये जगह है, बहुत ही अनोखी, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ का पानी का कलर पूरा साफ है। आपको देखेगा यहाँ का जो पानी होता है वो इतना साफ होता है कि आप नीचे तक देख सकते हो पानी के अंदर क्या है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं, हम लोग आ गए। यहाँ से हम लोग को बोट लेना पड़ेगा। एंड वी कैन सी दिस इज़ रिटन बोटिंग टू सेंट मेरीज आइलैंड। ओके, तो यहाँ से हम लोग टिकट्स काट लेंगे और हम लोग जिस लॉन्च में जाएंगे, हम लोग यहाँ से पूरा वहाँ तक लॉन्च में जाएंगे। राइट, फ्रॉम हियर वी विल गो ऑन लॉन्च टू सेंट मेरीज आइलैंड। और यहाँ का टेम्परेचर आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो अराउंड 31 हो रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस तक। और मणिपाल से यहाँ तक आपको आने के लिए करीब 33 मिनट्स लगेंगे एंड अराउंड इट विल टेक यू 15.3 किलोमीटर्स टू रीच हियर फ्रॉम माधव नगर मणिपाल। तो आगे देखते रहिए क्या होता है। हम लोग आ गए लॉन्च के अंदर, आप देख सक रहे हैं। और अभी जो हम लोग जो करेंगे वो यहाँ पे जितने भी लाइफ जैकेट्स हैं, देखिए आप भी देख सकेंगे कि यहाँ पे सब लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं। तो लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी तरह लॉन्च में जाने के लिए, क्योंकि ये लॉन्च काफ़ी मतलब हिलती है। तो हम लोग भी एक लाइफ जैकेट पहन लेंगे और मिलते हैं आगे। Thank you.
वी आर ऑन द वे टू द सेंट मैरीज आइलैंड. अभी जो लॉन्च है ये छोड़ चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स स्ट्रेट टूवर्ड्स द सेंट मैरीज आइलैंड. और यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं कि कितने कितने सारे आदमी हैं यहाँ पे. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है गाइस, बहुत बहुत ही मज़ेदार ट्रिप होने वाली है क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे गाना बज रहा है, अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. तो आगे देखते हैं क्या होता है. सो चल आए. जी हाँ, यही उम्र है. गलती से मिस्टेक. ऑन द वे टू द सेंट मैरीज आइलैंड. और लोग ये बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी हवी हवा आ रहा है यहाँ पे. एंड कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे अपना वॉइस कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. और इतना इतना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा वेदर है अब तो एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है. सो आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कैमरा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ. हमारे साथ जुड़ चुका है शीर्षक और हम लोग उससे पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा सीन है. तो शीर्षक आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको और सीन कैसा है यहाँ का. और इसके बाद शौहरा जी से हम लोग पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, क्या सीन है. तो पूरा गाइस. तो बड़े बोट से हम लोग आ गए एक छोटी सी बोट पे. अब इस छोटी सी बोट पे हम लोग यहाँ से बीच तक जाएंगे.
तो बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस, बहुत ही खूबसूरत जगह है. जस्ट आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दिस प्लेस वंस, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और आप लोग श्योर इसको एंजॉय करोगे. एंड अभी तो पानी शुरू हुई है. तो आप देख सक रहे हैं सब कि हम लोग आ गए हैं सेंट मेरीज आइलैंड की तरफ और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा पानी है, कितना खूबसूरत सी ये जगह है. और यहाँ पे स्पीड बोट भी रखा हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्पीड बोट भी जा सकते हो, स्पीड बोट के अंदर भी जा सकते हो. और यहाँ पे कुछ पेंसिल की तरह लग रहा है ये, इसमें आप उधर जा सकते हो, फिर उधर आपको जाके छोड़ देगा ये लोग, फिर आप वहाँ पे तैर सकते हो या बहुत बहुत मस्ती कर सकते हो. तो ये है कुछ बातें. और अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा तो आप देख पाओगे कि कितना अच्छा ये जगह है. तो देखते हैं. तो जी, आप लोग देख सक रहे हैं कि हम लोग सेंट मेरीज आइलैंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक जगह है. और हम लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं पर ये दूसरी बार है मेरी, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा एक जगह है. सो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं. सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है that discovering Saint Mary's Island, also known as Coconut Island, are a set of four small islands in the Arabian Sea off the coast of the Malpe in Udupi, Karnataka. They are known for the distinctive geological formation of columnar basaltic lava. So ये थी discovering of the Saint Mary's Island की कुछ और बातें. और हम लोग सामने भी जाएंगे और भी जगहों में, और उधर भी हम लोग बहुत बहुत मस्ती करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. जी हाँ, हर आइलैंड का कुछ रूल्स होते हैं अपना. और यहाँ पे प्लास्टिक बोतल और फूड आइटम्स अलाउ नहीं है. सबको रिस्पेक्ट करें आइलैंड में, गारबेज मत फैलाए और रात को रहना अलाउ नहीं है. अल्कोहल नहीं ले जा सकते, नो स्मोकिंग इज़ अलाउड. और प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो, और यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स. सो आप ये मान के चलिए और बहुत इन्जॉय कीजिए. तो ये कोकोनट लगून एक जगह है, यहाँ के अंदर सेंट मेरीज आइलैंड जो प्रॉपर आइलैंड है वो आपको मिलेगी देखने को. और यहाँ पे एक फूड रेस्टोरा भी है और जिसमें आपको हर तरह की डिशेस मिलेगी, फिश फ्राइज शुरू करके ब्रेड ऑमलेट एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर. तो जी हाँ, इस आइलैंड का और एक स्पेशलिटी जो मुझे लगा है यहाँ पे आके, कि यहाँ पे जो आपको माटी नहीं मिलेगा या बालू नहीं मिलेगा, यू विल गेट नो सैंड ओवर हियर. एंड दिस इज़ व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, दिस इज़ शेल्स, दिस इज़ प्योर शेल्स यू आर गेटिंग ओवर हियर एंड यू विल गेट थ्रू आउट दिस आइलैंड. सो ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ लगी मुझे. और आप देख सक रहे हैं कि पूरा ये आइलैंड ही शेल से बना हुआ है और ये कितना कितना खूबसूरत लगता है कि अगर कोई आइलैंड पूरा का पूरा शेल से बना हो, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको बालू देखने को नहीं मिलेगा या सैंड नहीं मिलेगा. आगे देखते हैं. सो ये आप लोग देख सक रहे हो कितनी खूबसूरत सी जगह है. इतनी खूबसूरत सी जगह हो तो आप कभी भी किसी के भी साथ यहाँ पे आ सकते हो और बहुत एंजॉय कर सकते हो. अकेले मत आना, किसी को लेके आना, ग्रुप में आना, बहुत ही मस्ती होगी. हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा घूमने का जगह है. यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड है, तो वो सब के चक्कर में आप मत आओ, पर घूमने के लिए ये जगह बहुत ही शानदार है. जी
हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, पर हाँ मैंने जब पिछली बार आया था देन वी वेंट फॉर स्विमिंग अ फ्यू डिस्टेंस, तो हम लोग कुछ देर के लिए स्विमिंग किए थे और एक जगह तक अलाउ होता है, वो स्पेशल परमिशन ही ले लो या तो फिर यहाँ पे जो होते हैं लोग उनसे पूछ लेना कि स्विमिंग अलाउड है या नहीं। और हमारे साथ जो बंदा है ये स्विमिंग करने का चैलेंज लिया है यहाँ पे, कपड़े नहीं है, पर इसके पास क्या करे, कपड़े नहीं है तो यार ये कैसे चलेगा दीदी जी। कपड़े का जुगाड़ हो जाए यार, कपड़े बस का जुगाड़, कपड़े का ही तो जुगाड़ नहीं है। मैं अपना कपड़ा खोल के दे दूँ? नहीं नहीं, तो फिर आपको कौन देखेगा। सी नेक्स्ट टाइम। तो कहिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोल। जय जगन्नाथ। हाँ तो जय जगन्नाथ कहना कभी मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारे सौरदीप भैया जय जगन्नाथ की शर्ट पहन के आए हैं, यहाँ पे उदुपी में वो जगन्नाथ टेंपल बनाएंगे, तो ये है थिंकिंग, समझे। और ये भी बात है कि जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम को भी मत भूलिएगा, बहुत पैसे वाला आदमी है ना, इसलिए। अच्छा, ये पैसे वाला भी है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग इससे आज कुछ पैसा भी लूटेंगे, क्या बात कर रहे हो, लूटेंगे ना, बहुत लूटेंगे। So here I have been meeting with some of my brothers, like they are from a different state, I am from a different state, but here everyone is from the same thing. So guys, I will just ask them, so what are they feeling right now, what is their job and what and everything of about that. So sir, how are you feeling right now over here? I'm feeling good bro, main problem is it's too hot here. Yeah, because it's the time limit. It's too hot, yeah. And now is kareeb 2 o'clock and it's too hot over yeah. here. But it's pretty chill over here. So sir, what about you? How are you feeling? Yeah, it's cold. The weather is hot now. The place is good. Place is good, right? All Malayalis, please come to St. Mary's Island and visit. Super place, adipoli salana, but coming only the evening. Okay, vaigundaram vandattu mathra kaariyullu. We'll take boat in 300 rupees only for coming here. I think this is a good place to enjoy for all Mangalorean. If coming anyone into Mangalore, that's very good. It's a lovely Kerala. Yes, Kerala is another police sadhanam. Yay! Police sadhanam. थैंक यू। सो हम लोग आ गए हैं मछली खाने, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा मछली है, ये चूतिया मछली। अच्छा, ये चूतिया मछली है, तो ये ही हम लोग खाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सा टेस्ट आ रहा है। चलो अभी तक मैंने तो टेस्ट नहीं किया है तो, पर अच्छा लगता है, ठीक है। आई कैन टेस्ट इट बाई स्मेल, आई हैव अजीब सा सुपर पावर। सो चलिए देखते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे एक पीस के सामने आ गए हैं और वो पीस क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। सो दिस इज व्हाट पीस इज ऑल अबाउट। तो जो पीस हम लोग के लाइफ में यार बहुत कमी है, जिस पीस की वजह से हम लोग अपने जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये वही पीस की बात है। और यहाँ पे सारे आते हैं और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं। आप लोग भी जब आओगे तब आप लोग भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हो और बहुत एंजॉय कर सकते हो। रात में लाइटिंग भी होती है यहाँ पे, तो बहुत बहुत मज़ा आता है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हो कि सब नहा भी रहे हैं और नहाना एकदम पास में, आप लोग नहा भी सकते हो और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाओगे तो ख़तरा भी बढ़ता रहेगा और अल्कोहलिज्म इज प्रोहिबिटेड, तो अल्कोहल मत पीना यहाँ पे आके और ज़्यादा दूर भी मत जाना, क्योंकि ये अरेबियन सी है और यहाँ पे ज़्यादा दूर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो हम लोग चलते हैं थोड़े बीच के अंदर। ये थ्री द ट्रायो।
ये हम लोग जा रहे एक दूसरी साइड पे जो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है यहाँ पे घूमने को, तो हम लोग अब जल्दी करेंगे क्योंकि 2:30 बजे का टाइम दिया है हम लोगों को। लो फिर लॉन्च आएगी, फिर हमें लेके जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग अब जल्दी करेंगे। तो ये थी वो जगह जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तरस रहा था। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई भी मूड में आ सकते हो। आप बेहद खुश हो तब आप आ सकते हो, आप बेहद दुखी हो तब भी आप आ सकते हो, पर ये जगह कुछ ऐसी है जो आपको एक सीख दे के जाती है, जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा जाती है। तो फिर आइए एंजॉय कीजिए और एंजॉय करके घर जाइए। धन्यवाद। तो सब जर्नी का एक एंड होता है और घर जाने का भी टाइम आ गया। चल घर चले। आई होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया है दोस्तों, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अनसब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे शेयर करना ना भूलना, बहुत सारे प्यार बरसाना, एंड लव यू ऑल।